पूर्व सभासद व वर्तमान सभासद पति पर एफआईआर से आक्रोशित सभासद पालिका अध्यक्ष से मिले एफआईआर कराने वाले कर्मचारियों ने कहा हमसे साइन कराएं। पालिका अध्यक्ष ने कहा परिवार का मामला बैठकर निपटाएंगे। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद संपत्ति कर वसूली में तैनात कर्मचारियों से अभद्रता और सरकारी बिलों को फाड़ने के मामले में तीन कर्मचारियों ने पूर्व सभासद मोहित बंसल के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपी पूर्व सभासद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सुबह जब इसकी जानकारी हुई तो सभासदों में आक्रोश व्याप्त हो गया। पालिका के सभी सभासद एकत्रित हुए और पालिका पहुंच गए। पालिका अध्यक्ष रानी गुप्ता को घटना की जानकारी दी। इस पर पालिका अध्यक्ष ने दोनों पक्षों की बात को सुना और परिवार का मामला बताकर दोनों पक्षों को समझाकर मामले को निपटाने का आश्वासन दिया। पूर्व सभासद मोहित बंसल वार्ड संख्या 14 से सभासद रहे हैं। इस बार महिला सीट होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था और वह जीत गई। सुबह जब पूर्व सभासद पर एफआईआर दर्ज कराने की जानकारी सभासदों को हुई तो सभी सभासद उनसे मिलने पहुंचे। इसके बाद पालिका के सभी निर्वाचित सभासद एकत्रित होकर पालिका पहुंचे और पालिका अध्यक्ष से अपनी समस्या को रखा। सभासदों ने अधिशाषी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक के साथ ही कर्मचारियों की शिकायत की। इस पर पालिका अध्यक्ष ने पहले सभासदों की बातों को सुना और उन्हें शांत किया। इसके बाद आरआई और वादी तीनों कर्मचारियों को बुलाकर घटना की जानकारी ली। वादी कर्मचारियों ने दबाव में एफआईआर प्रार्थना पत्र पर साइन करने की बात कही। इसके बाद पालिका अध्यक्ष रानी गुप्ता ने दोनों पक्षों को समझाया और मुकदमे में वादी कर्मचारियों से सभासदों के साथ थाने जाकर मामले को समाप्त कराने की बात कही। इस पर कर्मचारी सभासदों के साथ थाना गए और प्रार्थना पत्र दे दिया। सभासद पति पर एफआईआर दर्ज कराने की जानकारी उनके संज्ञान में सुबह आई है। उन्होंने पीड़ित सभासद और कर्मचारियों को समझाया है। परिवार का मामला है। दोनों पक्षों को डोट बैठा कर मामला शांत करा दिया। ज्ञानचंद जी, क्या मामला हुआ है? जो कुछ नहीं, हम बिल जाने गए थे, दो नंबर रेड गली में, दो नंबर डूडू के पिताजी नाम बनता बसंत लाल, हम देख गए क्रम से डेट और डूडू ने जो गई थी भाई अब बिल बन दो, बोर्डिंग मीटिंग हो जाए, उसके बाद का नाम है उसके बाद बिल बांटना। तो मैंने भाई अधिकारी ने भेजा है, आर आई साहब से बात कर लो, अजी सर से मुझसे बात कर लो, फिर इनकी जो मोबाइल में बात हुई थी क्या हुई थी, अब मोबाइल में हुई बिल किसने फाड़ दिए वो? और अजी सर ने फिर हमको बुला लिया, ऊपर बुला लिया तो मोबाइल में जो बात हुई अजी सर बोले इनकी एफ आई आर करा वो करा, मेरे साहब कोई हमारे कोई गलत बात नहीं, हम क्यों कराए? तो बिल ने और फिर नहीं हाँ फिर क्या, वो बिल किसने फाड़ दिए? फिर ऊपर गए अमनी साहब जी ऐसा मतलब बिल अपने आसमान में, हम नहीं फाड़ेंगे बिल, बिल अजीत जी भी थे अमीर जे भी साहब थे, तो अभी फिर फाड़ दिए। किन्ने? अजीत सर ने फाड़ दिए। अजीत सर ने बिल फाड़े ऊपर, सभासद ने नहीं फाड़े? सभासद नहीं फाड़े, कोई बिल भी नहीं फाड़े। नहीं, बिल फाड़ने के बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर बार हम पर दबाव बनाया एफ आई आर करो, तो अपने कहीं साहब छोड़ो नहीं, 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 अरे नहीं करो, डूडू के खिलाफ मोहित बन सब पूर्व सभासद फर्जी है बिल्कुल। अब जी हमका कैसा फर्जी फर्जी? अजीत यादव। अजीत जी, किस पोस्ट पे हैं आप? मैं प्रभारी कर अधीक्षक हूँ जी। क्या मामला है ये? ये कल गए थे ये लोग बिल वितरण करने के लिए, जो सेल्फ असेसमेंट के तहत बिल वितरण का कार्य हो रहा था, हमारे जो कर्मचारी गए थे इनके साथ मेंबर साहब से जो भी वार्ता हुई थी उसके क्रम में हमें आके अवगत कराया कि बिल वितरण नहीं किया करने दे रहे हैं, और इन लोगों के द्वारा बताया गया कि वहीं पे बिल फाड़ी गई है, और जिसने फाड़ी हो उस बिल को फाड़ते हुए ले आके हमें दिखाए थे, उस पर हमारे शासी अधिकारी महोदय द्वारा इन लोगों से एक आख्या लेकर के और उस पर जो है तहरीर दी गई है। जिस तरह कर्मचारियों ने आप पे आरोप लगाया कि बिल फाड़े गए, बिल आपने फाड़े, हम बिल क्यों फाड़ेंगे? हम अपना बिल हम स्वयं क्यों फाड़ेंगे? नहीं, सभासद को फसाने आरोप लगा रहे हैं, ये किसी दबाव में आरोप लगा रहे हैं, और मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया। नहीं, ये कह रहे हैं सभासदों को फसा देने का आरोप। नहीं, मैं सभासदों से अगर ये बताएं कि इनके साथ हम कभी व्यवहार किए हो ऐसा, कभी कोई इनकी बात न माने हो, कोई इनका आदेश न माना गया हो,
वो स्वयं बता दे हमसे। बड़े बाबू जी उपस्थित है उनको भी बताएं, टीए साहब वो बैठे हैं उनको भी बताएं किन किन दबाव में आप एफआईआर करा रहे हैं। टैक्स की हम लोग नहीं मना करेंगे, टैक्स की मना क्यों करेंगे, टैक्स जब नहीं आएगा तो ये आए नहीं आएगा हम राज्य बैठेंगे चलाएंगे, जब आय बढ़ेगी तो कार्य होंगे निर्माण होगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि टैक्स नहीं वसूली किया जाए, उन पर वसूली किया जाए, लेकिन बदतमीजी तो नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हैं दबाव में हम जो एफ आई आर बना रहे हैं। समस्याओं को लेकर क्या समस्याएं थी उनके आप इस तरह का निर्णय लिया गया है? ये जितना भी कार्य हुआ है ये मेरे ध्यान में नहीं हुआ है, आज मैं यहाँ आई हूँ, अब दोनों पक्षों की बात सुनूंगी और जैसा भी निर्णय होगा बोलूंगी।